राजधानी भोपाल पधारी रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में महाबंधक शोभना ने सांसदों से सुझाव लिए कि रेलवे का आगामी दिनों में कैसे विस्तार हो और यात्री सुविधा के लिए सांसदों ने मांग की कि ट्रेनों को बढ़ाया जाए और स्वच्छता पर भी ध्यान दिए जाने की मांग की। भारतीय रेल इन दिनों यात्रियों के लिए काफी सुविधा दे रही है। स्वच्छ ट्रेनों के साथ साथ सुपरफास्ट ट्रेनों और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्री भी रेल में सफर करना पसंद करते हैं। इसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए आज रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने सांसदों के साथ बैठक की और सांसदों से सुझाव लिए आगामी दिनों में हमें रेलवे को कैसे विस्तार करें, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखा जाए और रेलवे की बढ़ती संख्या पर कौन कौन से स्टेशनों पर रेलवे का स्टॉप पोज और बढ़ाया जाए। इसी सुविधा को देखते हुए आज भोपाल सांसद आलोक शर्मा समेत भोपाल के आसपास के जिले के सांसद भी बैठक में उपस्थित रहे। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मांग की कि निषादपुरा स्टेशन को जल्द चालू किया जाए और बैरागढ़ स्टेशन का सौंदर्यकरण जो हो रहा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन्होंने कहा कि बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर कई बड़ी ट्रेनों पर स्टॉपेज नहीं है, उन ट्रेनों का स्टॉपेज भी किया जाए। भोपाल में भी उन्होंने 6 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए रेलवे को जल्द से जल्द सुझाव दिए। 1 नंबर स्टेशन की तर्ज पर 6 नंबर स्टेशन भी सुंदर दिखे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल की सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मैंने सबसे पहला जो बिंदु रखा है वो निषादपुरा रेलवे स्टेशन का है कि निषादपुरा रेलवे स्टेशन का काम कब तक पूर्ण होगा, कब तक इसकी टाइम लिमिट है, क्या इसमें आरओबी बन रहा है और ये कब तक पूरा होगा। समय सीमा तय की गई है, समय सीमा के अंदर निषादपुरा रेलवे स्टेशन की बहुत ही जल्दी भोपाल की जनता को सौगात मिलेगी, काम अंतिम चरणों के अंदर है। मैंने इस बैठक में ये भी मांग की है कि इंदौर से जितनी भी ट्रेनें आती हैं जैसे मालवा एक्सप्रेस, अब वो मालवा एक्सप्रेस भी हमको निषादपुरा स्टेशन से चालू करना चाहिए क्योंकि अन्य ट्रेनों को भी हमको भोपाल से बॉम्बे तक ले जाना है। एक सुझाव और मैंने दिया है कि जब भी हमको बॉम्बे जाना पड़ता है तो दिल्ली से कोई भी ट्रेन आती है तो वो भोपाल आती है, भोपाल से इटारसी आती है, इटारसी से हरदा, खंडवा, बुरहानपुर और जलगांव से सीधा बॉम्बे पहुंचती है। और कई बार इस ट्रैक के ऊपर हमारा मेंटेनेंस का काम होता है तो पूरा ट्रैक बंद हो जाता है, कई बार ट्रेनें लेट हो जाती हैं। इसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी बॉम्बे के लिए हमको तैयार करना चाहिए और वो रेल वैकल्पिक मार्ग है कि हमारा निषादपुरा रेलवे स्टेशन जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा तो बॉम्बे के लिए नियमित एक ट्रेन निषादपुरा स्टेशन से संत हरदाराम नगर से सीओर उज्जैन से होती हुई बड़ोदरा और सूरत के मार्ग से बम्बई सेंट्रल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक वैकल्पिक मार्ग भी बॉम्बे जाने के लिए देश की जनता को भी मिलेगा और भोपाल की जनता को भी मिलेगा। वही रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि आज हमने सांसदों के साथ बैठक की है और सभी से सुझाव लिए, हम उन सुझावों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। भोपाल रेल मंडल का था तो भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों पर उस एरिया के जो सांसद गण हैं उन्होंने आके हमारे साथ चर्चा करी, जो उनकी डिमांड्स थी लोगों की और जो सुविधाएं वो चाहते हैं वो हम लोगों ने नोट करी और हमारा प्रयास रहेगा कि उन पे हम सकारात्मक कार्रवाई करें। इस अवसर पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा, होशंगाबाद सांसद दर्शन चौधरी, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी समेत भोपाल DRM देवाशीष त्रिपाठी समेत रेलवे के कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। EMT न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।